Welcome to Affinity Digital. Myself Devdatta Deep Choudhury, and today I am here to discuss with you IAT full length test number 2, that is the zoology section. So let us start with it. Okay, first question is, an artificial pacemaker is implanted subcutaneously and connected to the heart in patient. Option mein kya kya diya hai dekhte hain. Having 90% blockage of the 3 main coronary arteries. Number 2, having a high blood pressure. Number 3, with irregularity in the heart rhythm. And number 4, suffering from arteriosclerosis. तो बच्चों, इस केस में जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है तब हम लोग जो पेसमेकर है वो यूज़ नहीं करते, लेकिन हार्ट के बीट में, मतलब ऐसे नोड का इम्पल्स जनरेट अच्छे से नहीं हो पा रहा है या फिर एवी नोड उसे अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा है, उस दौरान क्या होता है, हार्ट में अरिदमिया होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन? दैट इज अरिदमिया. रिदम में गड़बड़ी होता है, एंड इन दैट केस वी यूज द आर्टिफिशियल पेसमेकर व्हिच कंटेन्स लिथियम सेल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हिच विल बी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन विल बी जब हार्ट में अरिदमिया होता है, दैट इज इरेगुलरिटी इन द हार्ट रिदम. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर द हार्ट बीट इज, इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इज वेरी इजी क्वेश्चन. सो हम लोग कौन सा चीज यूज करते हैं फॉर लिसनिंग द हार्ट बीट? दैट इज द स्टेथोस्कोप. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म? First option given is the flow of filtrate in the two limbs of vasa recta. पहला ही option गलत बच्चों, क्योंकि vasa recta में blood flow करता है ना कि filtrate flow करता है, right? So according to this question, this will be the false, incorrect statement. However, let us see the other one. Flow of the blood in the two limbs of vasa recta is in opposite direction. That is a correct statement. Sodium chloride is transported by the ascending limb of the Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. That is also a correct statement. And the last one is, sodium chloride is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. That is also a correct statement. So question number 153, the correct option is the फर्स्ट वन, क्योंकि पूछा गया है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सो दिस इज द इनकरेक्ट वन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 154, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर. तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है. एक्टिवेशन ऑफ द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, वो तो बाद में एक्टिवेट होगा, पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा. एक्टिवेटेड जेजी सेल रिलीजेस रेनिन, नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट वन. नेक्स्ट इज फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर वन, सी नंबर वन में आएगा. नेक्स्ट इज उससे, उसकी वजह से अभी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाएगा, सो दिस शुड बी द सेकेंड स्टेटमेंट. अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, दैट इज अ जेजी सेल, क्या रिलीज करेगा? That is the renin. So this is the third statement. Renin जब in release होगा वो क्या करेगा? It will bring the, it will increase the glomerular blood flow. This will be the fourth statement. And of course the last statement will be the fifth statement. So accordingly क्या होना चाहिए? It will be C A B, उसके बाद D, and it is number 5, that is E. Okay, यहाँ पे भी C से start हुआ है लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है B और D में, ठीक है? तो इसे अच्छे से ध्यान करके follow करना. Moving to the next question, volume of the urine is regulated by, the volume of the urine is regulated by aldosterone, yes, true. ADH, that is the anti-diuretic hormone, that is also true. और ये कहाँ पे act करता है? It acts in the distal part of the nephric tubules, right? So aldosterone and ADH
थर्ड ऑप्शन में दोनों को ही एक साथ मेंशन किया गया है, सो वी विल फॉलो द थर्ड ऑप्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156. अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन इज बाय, बच्चों जब जब मोटर एंड प्लेट में सेंसिटिविटी आता है, इम्पल्स आता है, उस दौरान वहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. वी नो दिस न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइल कोलाइन. ठीक है, और एसिटाइल कोलाइन को कौन रिसीव करता है, दैट इज द सार्कोलेमा. व्हाट इज द नेम हियर, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, दैट इज नोन एज द सार्कोलेमा. सार्कोलेमा. अब सार्कोलेमा में जब ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर है इसका, तो एसिटाइल कोलाइन रिसीव होता है एंड इट कॉजेज सेंसेशन, दैट इज इनर साइड बिकम्स पॉजिटिव जस्ट लाइक द डीपोलराइजेशन मेथड. ओके, एंड आउटर साइड बिकम्स नेगेटिव. और ये ट्रांसमिट करता है थ्रू टी ट्यूब्स, और किसको जाके स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम आयन को. कहाँ पे रिलीज कर रहा है, दिस इज द सार्कोलेमा. और यहाँ पे सार्कोलेमा में क्या होगा, इनसाइड द सार्कोलेमा देयर विल बी सार्कोप्लाज्म. और यही कैल्शियम आयन जब सार्कोप्लाज्म में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, तब वो जाके ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कम्प्लेक्स को, कम्प्लेक्स में जाके ज्वाइन होता है, पर्टिकुलरली एक सब यूनिट में, दैट वी कॉल एज द टीपीसी, एंड कॉजेज द अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव द मायोसिन बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन एक्टिव. सो हम लोग उसे ढूंढते हैं, दैट इज इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल ऑफ द सार्कोप्लाज्म. डिक्रीज होने से नहीं होगा कैल्शियम लेवल, डिक्रीज होने से कोई सेंसिटिविटी क्रिएट नहीं होगा. बाकी पोटाशियम और पोटाशियम जो है वो यूज नहीं होता है फॉर द अनमास्किंग. ओके, नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बी 156, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टर्नम. नॉट करेक्ट पूछा गया है, सो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ पे देख लेते हैं. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द ब्रेस्ट बोन, येस करेक्ट स्टेटमेंट. इज अ फ्लैट बोन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज टू इन नंबर, नहीं, स्टर्नम अनपेयर्ड होता है. इट इज वन इन नंबर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आस बिकॉज दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. हाउएवर द नेक्स्ट वन, लेट अस सी, इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरेक्स, सो दिस इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम NCERT, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. सो 157 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन. द एरिया ऑफ द मोस्ट एक्यूट विजन इन द आई वेयर शार्प एंड ब्राइट इमेज इज फॉर्म्ड. यस, तो एक्यूट विजन, शार्प विजन कहां पे फॉर्म होता है आई में. We know that in our retinal part there is a sharp, actually there is macula lutea, right? With a central part which is known as fovea centralis, जहाँ पे जो retina part है वो thinned out हो जाता है. And we know that macula lutea is rich in cones, that is that gets stimulated in the bright light. और वो क्या इमेज प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस अ शार्प इमेज, इट प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ हाई रेजोल्यूशन, राइट. सो दैट इज द मैक्यूला ल्यूटिया, और ल्यूटिया वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ल्यूटीन. ल्यूटीन इज अ येलो कलर्ड पिगमेंट, सो मैक्यूला ल्यूटिया इज कॉमनली नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज येलो स्पॉट. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट सॉरी, दैट इज द ऑप्शन 1. So question number 159, ear performs which of the following sensory function. So kya kya diya hua hai option mein, that is vision, olfaction, hearing and maintenance of the body balance. Bachcho, ear is our phonoreceptor, theek hai, that helps in collecting our the sound waves. Also with the help of the vestibular apparatus that is present in our internal ear, hume kis cheez mein madad milti hai, it helps in maintaining our balance. राइट, सो ये दो फंक्शन करता है, दैट इज व्हाट द हियरिंग, अनदर वन इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पॉस्चर.
In the other terms, that is vision, it is done by the photoreceptor, and olfaction is done, it is meant for smelling, that is the olfactory receptor, that is the nose. So our correct one will be C and D, that is the third option. Okay, now moving to the next one. Sodium potassium pump, very easy question. Sodium potassium pump kya transport karta hai? Sodium potassium pump, where it is present? It is present on the exolemma. And the sodium potassium pumps three sodium ion outside, that is in the ECF, extracellular fluid, and two potassium ion inside, that is in the ICF, जिसे एनसीईआरटी में लिखा गया है एक्सोप्लाज्म. और ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है एक्टिवली, दैट मीन्स इट यूजेस एनर्जी फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ये कितना एनर्जी खर्चा करता है? इट यूजेस 1 ATP, एंड एट द कॉस्ट ऑफ 1 ATP इट ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड पोटाशियम एट अ रेशियो ऑफ 3:2. तो रेशियो हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है बच्चों, moving to so what will be the correct option? That is 3 sodium ion outside and 2 potassium ion inside. Yahan pe diya gaya hai 3 sodium ion outside and 2 potassium ion bhi outside, so this is not our, definitely not our correct option. Okay, yahan pe diya hua hai 3 sodium ion outside and 2 sodium ion outside and 3, to yahan pe number mein galat karke rakh diya. Yahan pe bhi similarly ek hi cheez kya hai, aur outside inside mein to galti kar hi raha hai. Theek hai. Now moving to our next question. Yes. GnRH. Okay. जब भी RH बोलेंगे, RH is a hormone of hypothalamus, right? Releasing hormone. IH and RH are the hormones of hypothalamus. वो किसको stimulate जाके करता है? वो stimulate करता है anterior pituitary को, या फिर pituitary gland. राइट, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज व्हाट? टू रिलीज गोनाडोट्रोफिन्स. एंड व्हाट आर द गोनाडोट्रोफिन्स? बच्चों गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स आर FSH एंड LH. सो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? GnRH विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड विल कॉज द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकेंड ऑप्शन. ओके, द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द गोनाडोट्रोफिन्स. Why do some hormones, that is the first messenger, hormones are the first messenger, right, need to trigger a second messenger to activate a target cell? Kuch hormones that belongs to class 1, that is protein hormone, peptide hormone, okay, and class 4, that is amino acid derivative hormone, wo log kya hote? They are not lipid soluble. They are not lipid soluble. तो क्योंकि वो lipid soluble नहीं होता है, इस वजह से वो plasma membrane के अंदर वो direct enter नहीं कर सकते. ठीक है, because it is not lipid soluble, it is water soluble. And because of this, it uses what receptor? It uses membrane bound receptor. It uses membrane bound receptor. दरअसल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस टाइप के हॉर्मोन का मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है. ठीक है, तो यहां पे हॉर्मोन जो है, विच इज द फर्स्ट मैसेंजर, वो इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके आ रहा है, आके इस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में क्या हो जाएगा? वो जुड़ जाएगा, forming a complex that we know is the hormone receptor complex. Okay, अब क्या होगा? ये जब ये hormone receptor complex बन जाएगा ना, तो अंदर में कुछ ऐसा changes होगा, अंदर में कुछ ऐसा changes होगा that will cause the formation of second messenger or secondary messenger. क्योंकि वो अंदर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो अंदर में वो काम करे, उस काम का एग्जीक्यूशन हो. तो क्योंकि वो खुद अंदर नहीं जा पा रहा है, वो कॉज करता है कि अंदर में कोई एक सेकेंडरी मैसेंजर बन जाए.
और अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, बाकी का जो केमिकल रिएक्शन है ना, बायोकेमिकल एक्शंस, वो सब परफॉर्म करेगा, दैट विल इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो क्योंकि दैट इज द प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन वो एंटर नहीं कर पाता है सेल के अंदर, इसीलिए सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन करता है. और ये कौन सा क्लास करता है बच्चों, दैट इज क्लास 1 एंड क्लास 4 हार्मोन. हाइपोथैलेमिक हार्मोन, द पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स. ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं. द फर्स्ट मैसेंजर नीड्स एन एक्टिवेशन ऑफ एटीपी. ओके, द फर्स्ट मैसेंजर कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस विल बी द करेक्ट वन. देयर आर नो स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर द फर्स्ट मैसेंजर. नहीं बच्चों, यहाँ पे तो स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया. द फर्स्ट मैसेंजर इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल. वो फर्स्ट मैसेंजर जो है, दैट इज द हार्मोन, इज अ वाटर सॉल्युबल, इट इज नॉट अ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल. हेंस इट कैन नॉट एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज वी नो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट, इट इज अ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन. ओके, नाउ सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 162 इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय. बच्चों फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसको कहा जाता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है वो माइल्ड कंट्रैक्शन जो कि जनरेट करता है प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ठीक है, उसे हम कहते हैं दैट इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स विच इज रिसीव्ड बाय अवर ब्रेन. और ब्रेन क्या करता है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड से, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है ताकि कंट्रैक्शन एकदम फोर्सफुल हो पाए. लेकिन वो जो माइल्ड कंट्रैक्शन होता है ना, वो तो प्लेसेंटा और द फुल डेवलप्ड फीटस देता है, राइट. सो द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी नोन इज दैट इज नॉट द सेंसेशन, इट इज द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा. डिफरेंशिएशन ऑफ मेमरी ग्लैंड भी नहीं, ना कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टू. वंस अ स्पर्म फ्यूजेस विद एन ओवम, द रिमेनिंग स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज ओवम, व्हाट चेंजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच फिनोमेनन. बच्चों इस चेंज को कहा जाता है ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. अब पहला स्पर्म जब एंटर कर चुका होता है थ्रू द कोरोना रेडियाटा, ठीक है, कोरोना रेडियाटा में एंटर कर चुका है. सपोज दिस इज द जोना जेट पी, जोना पेलुसिडा, दिस इज द कोरोना रेडियाटा. फिर उसके बाद आता है द सेल मेम्ब्रेन, और जोना पेलुसिडा और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, दैट वी कॉल एज द पेरिवाइटलीन स्पेस. तो जब स्पर्म एंटर कर चुका होता है विद द हेल्प ऑफ हायलुरोनिडेज एंजाइम्स, राइट, वो पेनिट्रेट कर लेता है जोना पेलुसिडा को और फाइनली पहुंच जाता है इन द दिस पेरिवाइटलीन स्पेस. तो एक चीज होता है दैट इज फर्स्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जब वो क्रॉस कर लेता है तब क्या होता है, जोना पेलुसिडा पूरा पूरी डीपोलराइज हो जाता है, मतलब अंदर का चार्ज पॉजिटिव, बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है. बट वो कुछ टाइम के लिए होता है, वी नो इट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस, ठीक है. इन द मीन टाइम जब न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर चला आता है, इन द मीन टाइम ये क्या होगा, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंदर में भी प्रवेश कर जाएगा, दैट इज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. अब जो प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन. यहाँ पे कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है इन द पेरिफेरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और इसका होता है एक्सोसाइटोसिस. स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आया और हो गया यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस. और अब जब ये पेरिवाइटलिन स्पेस में ये चीज़ आ जाता है ना, तो ये पेरिवाइटलिन स्पेस
में आते ही जोना पेलुसिडा के साथ रिएक्ट करने लगता है। वो काफी लंबा एक प्रोसेस है। इससे क्या होता है, जोना पेलुसिडा में जो रिसेप्टर होता है फॉर द स्पर्म्स, रिसेप्टर जो होता है स्पर्म रिसेप्टर, जिसे हम कहते हैं ZP रिसेप्टर, से हम क्या कहते हैं ZP रिसेप्टर, वो हो जाता है डैमेज। अब स्पर्म फर्दर और एंट्री नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है बच्चों, क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा एक रिवीजन ले लो। जब एक स्पर्म अंदर चला आता है, पहले तो वो जोना पेलुसिडा को क्या करता है, वो डीपोलराइज कर देता है, बट दिस इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। अब जब स्पर्म का न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन में इन द मीन टाइम पहुंच जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है, तब होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। इससे क्या होगा, जो जोना पेलुसिडा का जो स्पर्म रिसेप्टर है वो हो जाता है डैमेज बाय द कंटेंट ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एंड फर्दर वो स्पर्म को रिसीव नहीं कर पाता है। इज इट क्लियर? यस, ओके। सो लुक, देखते हैं क्या होता है। सिलेक्टिव परमिएशन थ्रू ओवम, नहीं। स्पेसिफिक स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये भी नहीं होगा। चेंजेस इन द मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेलुसिडा, यस। स्पर्म के एंट्री से जोना पेलुसिडा के मेम्ब्रेन में चेंजेस आता है, एक तो वो डीपोलराइज्ड हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में वो इम्परमिएबल हो जाता है, एंड वी विल कंसिडर दिस चेंज एज अ ब्लॉकेज टू पॉलीस्पर्मी। इज इट क्लियर? सो द थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं 165 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ द ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट डू ए एंड बी रिप्रेजेंट। वेरी इजी टू रिमेंबर बच्चों, कैसे क्या देखना है तुम लोगों को, यहाँ पे देखना है कि ओवेरियन हार्मोन है, तो हम लोग जानते हैं कि ओवेरियन हार्मोन जो एक ग्राफ में कंसिडर किया गया है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर तुम लोग देखते हो ना कि ग्राफ में दो बार ऐसा फ्लक्चुएशन ऊपर आ रहा है, दो बार, टू टाइम्स दिस वन, सी, लेट मी गिव हियर द मार्किंग, एक बार यहाँ पे, फिर से दोबारा यहाँ पे, टू टाइम्स फ्लक्चुएशन एक पीक लेवल पे आ रहा है, तो वो हो जाएगा एस्ट्रोजन, और जो एक पीक ले रहा है दैट विल बी व्हाट, द प्रोजेस्टेरोन। सी दैट ग्राफ, दैट इज ओनली वन टाइम। सो बी जो है दैट इज प्रोजेस्टेरोन, और ए जो है दो बार पीक ले रहा है, दैट विल बी एस्ट्रोजन। सो दैट विल बी ए इज एस्ट्रोजन, ए इज एस्ट्रोजन, दिस वन ए इज एस्ट्रोजन एंड बी विल बी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, पहले तुम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ये कौन सा हार्मोन दिया हुआ है, ओवेरियन या फिर पिट्यूटरी का, ये दिया हुआ है ओवेरियन। ओवेरियन में क्या देखना है, दो ही हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन द ग्राफ, दो बार अगर पिक लेता है दैट विल बी एस्ट्रोजन, और सिर्फ एक बार पिक लेता है दैट विल बी प्रोजेस्टेरोन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर 165 इज 4। So this is the fourth one. How many sperms are formed by secondary spermatocyte? So secondary दिया हुआ है, अगर primary देता तब बोलते 4, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, secondary spermatocyte, and one secondary spermatocyte with the by completing its second meiotic division produces two sperms, right? Two spermatids. So the option will be 3, that is having the answer. Question number 166, answer will be 3. Under ZIFT, zygote intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर किया जाता है, इधर जाइगोट को या फिर एम्ब्रायो को विथ अप टू 8 ब्लास्टोमिया स्टेज, राइट? ब्लास्टोमिया इज द डॉटर सेल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड वेयर, यस, नाम में ही दिया हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 167, द फर्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन फीमेल ऑफ फीमेल इन इंडिया,
ऑरल कंट्रासेप्शन में क्या होता है, दैट इज द पिल्स लिया जाता है, लेकिन पिल्स यूजुअली भूल भूल जाते हैं और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत अच्छा खासा होता है. कॉन्डम्स आर वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया बट इट इज यूज बाई मेल्स नॉट फीमेल. IUD, यस, इसका साइड इफेक्ट काफ़ी कम होता है, लेस साइड इफेक्ट होता है या फिर नो साइड इफेक्ट होता है. तो इसी को यूज़ किया जाता है इंडिया में, जो कि कंट्रासेप्शन दे सकता है 5 ईयर्स तक या फिर 3 ईयर्स तक. सो दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड इन द अर्बन एरियाज. ओके, दैट इज द IUD, इंट्रा यूटराइन डिवाइस. जबकि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किसे कहा जाता है, जब ऑलरेडी किसी ने फैमिली प्लानिंग कर लिया है, फैमिली बना चुके हैं वो लोग, बच्चा बच्चा हो चुका है, तब वो लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट इज अ स्टेरिलाइजेशन मेथड, जो कि एक रिवर्सिबल मेथड भी नहीं है, क्योंकि एक बार स्टेरिलाइज हो गए तो दोबारा से वो कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकता. तो दिस इज नॉट एन आइडियल कंट्रासेप्टिव. तो कोई भी फीमेल इसे फॉलो नहीं करेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रासेप्शन. कंट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी के रोकना, लेकिन अगर वो चाहे दोबारा से वो कंटिन्यू कर सकती है अपना फर्टाइल लाइफ जब उसे बच्चा चाहिए होता है, राइट. सो IUD इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड. सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. द चेंज इन द कलरेशन ऑफ द पेपर्ड मॉथ. बच्चों, पेपर्ड मॉथ मतलब बिस्टोन कार्बोनेरिया. और बिस्टोन कार्बोनेरिया इज ऑल्सो नोन एज मेलनाइज्ड मॉथ, ऑल्सो नोन एज डार्क विंग्ड मॉथ, जो कि इवोल्यूशन का सवाल है. ठीक है, तो क्या हुआ था, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ठीक है, तब वहां का जो यूकेलिप्टस ट्री था वो काफी क्लियर था. ऊपर से पॉल्यूशन कम होने के कारण उसमें लाइकेन डेवलप हुआ, जो कि क्या बना दिया, उस ट्री का जो कि ऊपर का ट्रंक है उसे सफेद बना दिया बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द लाइकेन. अब दो मॉथ वहां पे इनहेबिट करने लगे, एक है व्हाइट कलर्ड मॉथ और दूसरा है ब्लैक. ठीक है, तो क्या हुआ, जो मेलानाइज्ड मॉथ था, ब्लैक कलर का मॉथ था, वो डिस्टिंक्ट हो गया, जबकि व्हाइट कलर मॉथ जो है वो छुपा रहा, व्हाइट कलर बैकग्राउंड के साथ वो भी छुपा रहा. अब जो प्रीडेटर्स है जैसे कि पंछी वगैरह, वो लोग किसके ऊपर फीड करेंगे, तो ब्लैक कलर मॉथ. अब हम लोग देख पाते हैं कि पॉपुलेशन में अगर ये रहा ब्लू कलर्ड मॉथ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और ये रहा ब्लैक कलर्ड मॉथ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर. अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि ब्लू कलर्ड मॉथ का पॉपुलेशन पूरा पूरी पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि ब्लैक का नंबर कम होते जा रहा है. वो डिमिनिश नहीं होता है नेचर से, लेकिन उसका नंबर कम हो जाता है. तो धीरे धीरे ये जो ब्लू कलर का पॉपुलेशन है ये पिक पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई कर लेगा और अभी ये डायरेक्शन ग्राफ का इस साइड में हो जाएगा. जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, देखा गया कि पॉल्यूशन के कारण लाइकेन का ग्रोथ अभी क्या हो चुका है, कम हो चुका है. और तो और क्या हुआ कि लाइकेन का ग्रोथ कम और पॉल्यूशन के वजह से ट्री ट्रंक में डस्ट, धूल जो है वो जमा होने लगे, ब्लैक कलर होने लगे ट्री. अब इससे क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर्ड मॉथ था वो अच्छे से बैकग्राउंड के साथ मैच कर गया, जबकि ब्लू कलर का जो नॉट ब्लू सॉरी ग्रे कलर का जो मॉथ था वो डिस्टिंक्ट हो गया. ग्रे कलर कैसे दिखाएंगे, गिव दिस कलर, वो डिस्टिंक्ट हो गया. तो अभी प्रीडेटर किसके ऊपर फीड करने लगा, रेड दिस ग्रे कलर्ड मॉथ के ऊपर, जबकि उसने ब्लैक कलर मॉथ को छोड़ दिया. तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि पॉपुलेशन का ग्राफ अपना डायरेक्शन फिर से चेंज करके ब्लैक कलर्ड मॉथ में पॉपुलेशन ग्राफ को पूरा पूरी ऑक्यूपाई कर लिया, तो पिक फिर से शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में. तो ये जो एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का,
दैट इज कैरिंग द एग्जाम्पल ऑफ बिस्टोन बेटुलेरिया एंड बिस्टोन कार्बोनेरिया, वो क्या शो करता है? दैट इज डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. सो अ पॉपुलेशन विद डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, नो. अ पॉपुलेशन विद डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्राफ शिफ्ट करता रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. अ पॉपुलेशन विद स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, ये भी नहीं होगा. अ पॉपुलेशन विद नो सिलेक्शन, दैट इज ऑल्सो नॉट अ एप्रोप्रिएट ऑप्शन. सो द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 169 इज 2. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170. द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट इफ. ओके, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये हार्डी और विनबर्ग ने मिलकर एक थियोरिटिकल कंडीशन हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें कहा है कि वो लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहे हैं. एक लार्ज पॉपुलेशन को वो लोग कंसीडर करते हैं. उसमें कहा गया है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा कंस्टेंट रहेगा. व्हाट इज एलिलिक फ्रीक्वेंसी? हाउ मेनी टाइम्स आर एलील्स arises in a population, that is allelic frequency. वो हमेशा constant रहेगा अगर कुछ factors operate करे. क्या क्या factors है? No mutation, जो कि nature में possible ही नहीं है, mutation तो होगा ही. No genetic drift, no gene migration, no जीन रिकम्बिनेशन, और लास्टली और एक फैक्टर दिया है, नो नेचुरल सिलेक्शन. ये सब नहीं होना चाहिए उस पॉपुलेशन में, तब जाके एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा कंस्टेंट रहेगा. लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? हार्डी विनबर्ग ने एक थियोरिटिकल कंडीशन सजेस्ट किया है, लेकिन प्रैक्टिकली एक पॉपुलेशन में म्यूटेशन भी होगा, उससे माइग्रेशन भी होगा, उससे जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होगा. मियोसिस के दौरान हर एक क्रोमोसोम में रिकम्बिनेशन भी होगा, और नेचुरल सिलेक्शन तो होगा ही. तो क्या कहा गया है कि अ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, ये तो हार्डी विनबर्ग का ही कंसेप्ट है कि पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए. फ्रीक्वेंट म्यूटेशन ऑकर्स इन द पॉपुलेशन, यस. अगर म्यूटेशन होता है तब क्या होगा? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे तो वही ऑप्शन दिया गया है, फ्रीक्वेंट म्यूटेशन अगर होता है तो क्या वो ऑपरेट हो पाएगा? नहीं ऑपरेट हो पाएगा. फ्रीक्वेंट म्यूटेशन विल हैम्पर हार्डी विनबर्ग कंडीशन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. फ्री इंटरब्रीडिंग ऑकर्स अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, उन्होंने तो यही सजेस्ट किया है कि फ्री इंटरब्रीडिंग होगा, इससे हर एक ऑफस्प्रिंग को हर एक किसी का एलील, पेरेंटल ग्रुप का एलील मिल जाएगा, जो कि नेचर में पॉसिबल नहीं है. इतना भी पॉलीगैमस नहीं होता है हम लोगों का सोसाइटी या फिर एक लार्ज पॉपुलेशन, राइट. बोथ वन एंड थ्री जो है, वन एंड थ्री तो उसको सपोर्ट कर रहा है. तो कौन सा पॉइंट हम लोगों के लिए इनकरेक्ट, नॉट, इट विल नॉट ऑपरेट द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, दैट इज फ्रीक्वेंट म्यूटेशन. इफ फ्रीक्वेंट म्यूटेशन ऑकर्स इन नेचर, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो हार्डी विनबर्ग्स इक्विलिब्रियम. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकेंड ऑप्शन. यस, क्वेश्चन नंबर 170, द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 171 में. अकॉर्डिंग टू हुगो डी व्राय, स्पेसिएशन ड्यू टू म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज सॉल्टेशन. सॉल्टेशन विच मीन्स, सो सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? एक स्पीशीज अचानक से एक म्यूटेशन करेगा, पूरा एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है, पूरा एंटायर पॉपुलेशन में वो म्यूटेशन होगा और वो कन्वर्ट करेगा इंटू अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज. फिर से एक अचानक से एक म्यूटेशन होगा जिससे कि क्या हो जाएगा, वो पॉपुलेशन चेंज होके दूसरे पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम दे विल बिकम डिफरेंट स्पीशीज. दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पेसिएशन. और स्पेसिएशन के बिहाइंड में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, दैट इज व्हाट, वन इज म्यूटेशन, अनदर वन इज नेचुरल सिलेक्शन. तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो अचानक से हो रहा है, एक बड़ा सा हो रहा है जो कि चेंजेस ला रहा है,
थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस, थोड़ा थोड़ा चेंजेस, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है. सो सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सिंगल स्टेप वेरिएशन. बच्चों वेरिएशन डार्विन का वर्ड है, डार्विन ने जो वर्ड यूज़ किया था. लेकिन वेरिएशन इतना छोटा होता है, इतना कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उससे म्यूटेशन नहीं होता है. वेरिएशंस बोल के जो भी है हम लोग उसे रिजेक्ट करेंगे. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यस दिस इज द करेक्ट वन. ह्यूज चेंज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, पहले तो म्यूटेशन होना पड़ेगा, उसके बाद ना आएगा नेचुरल सिलेक्शन. और पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्टेशन. सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 171 इज थर्ड ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. एन एंटीवायरल प्रोटीन कॉल्ड डैश इज रिलीज्ड बाय डैश इन्फेक्टेड सेल. ये क्वेश्चन है फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर. तो एंटीवायरल प्रोटीन को हम कहते हैं इंटरफेरॉन, INF, दैट इज इंटरफेरॉन. और ये कौन सेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज वायरल इन्फेक्टेड सेल. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी. डैश इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी. दिस इज अगेन द इनेट इम्यूनिटी इज नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी. डैश इन द स्टमक प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, द एसिड इन द स्टमक प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ. तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं ये सब कहाँ पे होगा. दैट इज इंटरफेरॉन वायरस, करेक्ट. पैसिव इम्यूनिटी नहीं, पैसिव इम्यूनिटी नहीं, यहाँ पे इनेट होना चाहिए. इंटरफेरॉन वायरस, इनेट इम्यूनिटी एंड सी विल बी एसिड. दिस इज द करेक्ट वन, बाकी में नहीं दिया हुआ है. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 172, दैट इज टू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलर्जिक रिएक्शन. बच्चों एलर्जिक रिएक्शन में स्नीजिंग होता है, वाटरी आइज होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, जैसे कि एस्मा. एस्मा इज एन एलर्जिक रिएक्शन. हिकअप्स, हिकअप्स मतलब हिचकी. हिचकी तो नहीं होता है, हिचकी इज अ नॉर्मल कंडीशन जो कि एक अचानक से, उसका कोई रीज़न अभी तक निकाला नहीं गया है, लेकिन अचानक से स्पैस्मोटिक कंट्रैक्शन होता है डायफ्राम में, जिससे कि हिचकी आता है ड्यू टू इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन. हिसरडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड इन पंजाब बाय द प्रोसीजियर ऑफ, बाय द is produced, it is developed in Punjab, is produced by what breeding? It is a direct question from animal husbandry, that is the crossbreeding. Question number 173, that is the third one. Multiple ovulation embryo transfer, that is the moiety, induces which of the following in cow? Bachcho moiety mein FSH diya jata hai. Ek फीमेल काउ को, ठीक है, फीमेल काउ को क्या दिया जाएगा, FSH दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल मैच्यूरेशन होगा, बहुत सारे होगा. ठीक है, और इससे क्या होने लगेगा, सुपर ओव्यूलेशन होने लगेगा, और यहीं से ओवम को कलेक्ट किया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा. द प्रॉपर टर्म इज हार्वेस्टिंग. तो क्या होता है, फॉलिक्यूलर मैच्यूरेशन होता है और सुपर ओव्यूलेशन होता है. तो ऑप्शन वन सुपर ओव्यूलेशन करेक्ट वन. फॉलिक्यूलर मैच्यूरेशन इन द ओवरी ये भी करेक्ट है, क्योंकि बाहर में आके फॉलिकल को डेवलप नहीं किया जाता है. ओव्यूलेशन इज द सिंपल टर्म, लेकिन यहाँ पे सुपर ओव्यूलेशन होता है, कई सारे फॉलिकल्स का ओव्यूलेशन होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ वन एंड टू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 175. ऑप्शन फोर इज द करेक्ट वन. Question number 176, which of the following bacteria has a role in removing clot from our blood vessel? So the option one is Bacillus thuringiensis, that is used in producing the BT cotton, Clostridium. Next is third option is the Streptococcus, and the last one is Lactobacillus, jo ki curd banane mein kafi use hota hai. Lekin Streptococcus jo hai वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज. Streptokinase, and streptokinase is used medically to remove the blood clot from the blood vessels. ठीक है, so 176 का correct option will be the third option. So question number 177, during card formation,
A small amount of curd is added to the fresh milk which contains millions of lab. So lab ka full form hota hai, that is the lactic acid bacteria. It is known as starter. Or दही जमाने से पहले जो हम लोग फ्रेश मिल्क में गर्म करने के बाद जो हम लोग डालते हैं ना पुराना दही, उसे कहा जाता है इनोक्यूलम. ठीक है, स्टार्टर और इनोक्यूलम, जिसमें बहुत सारे वो लैक्टोबैसिलस होते हैं. सो वी कॉल दिस एज अ इनोक्यूलम, ना कि फ्लॉक, पैलेट या फिर सुपरनेटेंट. अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन लाइक. तो बायोरिएक्टर यूज़ किया जाता है ताकि मास अमाउंट में कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया जाए. ठीक है, दैट इज़ द रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाया जाए. तो इस बायोरिएक्टर में सारे कंडीशन को अप्रोप्रिएटली हैंडल किया जाता है ताकि बैक्टीरिया का या फिर कोई भी जो कि रिकम्बाइन किया गया है जो कि ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर ग्रोथ हो. ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन पाएगा. तो टेम्परेचर, पीएच एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज करेक्ट. सॉल्ट, वाइटामिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मेंटेन किया जाएगा एरोबिक अगर वो बैक्टीरिया है तो. ठीक है, प्रोटीन, डीएनए, पीएच, टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, जिसमें ऑक्सीजन मेंटेन किया जाएगा, वाइटामिन, सॉल्ट, सबस्ट्रेट, temperature and pH, everything is maintained here. So for bioreactor the fourth option is the appropriate one. Question number 179, the term molecular seizure is generally refers to, yes it is generally refers to restriction endonuclease. So 179, the correct option is the third option. A suitable method for of transformation of the recombinant DNA for plant, okay, recombinant DNA for plant, in which cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA is, yes, it is what, biolistic, yes, correct. Microinjection, no, incorrect. Gene gun, yes, correct. So the correct option is 1 and 3. Fourth option is the correct one, yes. 180, option 4 is the correct one. RNA interference gene, in RNA interference, जीन इंटरफेयर्स विथ, तो आर एन ए इंटरफेरेंस में क्या होता है, उसका मेन कंसेप्ट होता है कि आर एन ए प्रोटीन में ना कन्वर्ट हो पाए. ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग किस चीज़ के साथ किस चीज़ को हम लोग काउंटर कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस. येस ऑफ कोर्स इट इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो द करेक्ट वन विल बी ट्रांसलेशन इन नेमाटोड, ट्रांसक्रिप्शन इन नेमाटोड, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन synthesis of rRNA. No, it is only the translation process. So the correct option for 181 is 1 is the correct one. The main challenge for the production of the insulin using rDNA techniques was getting insulin into a matured form by using what bond? Kaun sa bond establish baad mein kiya gaya tha? After it is produced in Escherichia coli, that is the disulfide bridge, disulfide bond. Question number 182, cysteine ke beech jo bond banta hai na, that is the disulfide bond. Wo insulin ke chain A aur B mein establish kiya gaya tha between the cysteine amino acid, and this bond is known as the disulfide bond. Question number 182, fourth option is the correct one. Choose the incorrect match. Amoeba is asymmetrical, yes, correct. Coelenterates are diploblastic, correct. Radially symmetrical, yes. Non-chordate, yes, it is a non-chordata. It is not a chordata. Chordate, Petromyzin, Ornithorhynchus, Ichthys, correct. Annelids are not pseudocoelomate. Annelids are eucoelomate. Particularly they are known as schizocoelomate, right? उनका सिलोम को schizocoelom कहा जाता है. So annelida is the incorrect one. So for our question 183, the fourth option is the correct one. Diploblastic and triploblastic are the terms that is used to describe. तो diploblastic और triploblastic किसे कहा जाएगा, जब हम लोग embryonic germ layers को study करेंगे. किसी ऑर्गेनिज्म में अगर एम्ब्रायनिक जर्म लेयर्स दो है, वी विल कॉल इट एज डिप्लोब्लास्टिक. अगर तीन है,
तीन बनता है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, उसे हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो दे बेसिकली दे आर रेफरिंग द एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर्स. देखते हैं क्या दिया हुआ है. द नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन, नो नंबर ऑफ, कोई इन्वेजिनेशन नहीं. द नंबर ऑफ हेड्स ड्यूरिंग द, नो नॉट हेड्स. द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, यस जर्म लेयर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द नंबर ऑफ सेल टाइप्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 184, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 185, मेटामेरिज्म रेफर्स टू, मेटामेरिज्म किसे कहा जाएगा, दैट इज द ट्रू सेगमेंटेशन, राइट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऊपर में सेगमेंटेशन है, दैट इज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. अगर अंदर में कोई ऑर्गन रिपीट कर रहा है, दैट इज द इंटरनल सेगमेंटेशन. और अगर बाहर भी सेगमेंटेशन है, अंदर में भी कुछ ऑर्गन्स रिपीटेड हो रहा है, देन वी कॉल इट एज अ ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म. सो मेसोप्लास्टिक डेवलपमेंट, ऑकरेंस ऑफ द मेसोडर्म, नो नॉट मेसोप्लास्टिक डेवलपमेंट, नाइदर द ऑकरेंस ऑफ मेसोडर्म. सेगमेंटेशन वेयर एक्सटर्नल डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरनल डिवीजन, येस दिस इज वन टाइप ऑफ मेटामेरिज्म, दैट इज बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, दैट इज सीन इन केस ऑफ एनीलिडा. जबकि आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल देखते हैं, ओनली एक्सटर्नल, एंड इन केस ऑफ कॉर्डेट्स इट इज ओनली इंटरनल. मेटास्टेसिस भी नहीं होगा, जो कि कैंसर में होता है, तो दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. सो द 185 ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन. सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन बी. सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, जबकि सेक्शन बी में तुमको सिलेक्शन दिया जाएगा. 15 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से तुमको 10 क्वेश्चन सिलेक्टिवली अटेम्प्ट करना है, ठीक है. सो देखते हैं क्या दिया हुआ है. इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल लीव फॉर अ लॉन्ग एज वन वीक. इट इज़ बिकॉज हम लोग, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि कॉकरोच के हेड में बहुत ही कम अमाउंट का नर्वस टिश्यू होता है, जबकि ज़्यादातर हिस्सा बॉडी में होता है, ठीक है. तो अगर हेड को काट दिया जाए, देन इट कैन सर्वाइव फॉर एटलीस्ट वन वीक. बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ट काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, नो. हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यस. हेड इज ऑफ नो यूज, ये तो पूरा पूरी इनकरेक्ट सवाल है, नॉट एप्लीकेबल. फूड कैप्चरिंग apparatus इज फाउंड elsewhere, नो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो लोग खाना नहीं खा पाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए वो लोग एक वीक के बाद मर भी जाते हैं, या फिर थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है. सो अप्रॉक्सीमेटली एक वीक कंसिडर किया गया है. सो द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 186. मेल कॉकरोच हैज, ओके, इट इज अबाउट देयर जेनाइटल स्ट्रक्चर्स. डॉर्सल एनस होता है, वेंट्रल जेनाइटल पोर होता है, और उनमें गोनेपोफाइसिस होता है, करेक्ट. वेंट्रल एनस नहीं होता है, इनमें डॉर्सल एनस होता है. ये यहाँ पे डॉर्सल एनस करेक्ट है, वेंट्रल जेनाइटल पोर भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है नो गोनेपोफाइसिस, विच इज देयर एक्सटर्नल जेनाइटलिया. यहाँ पे नो दिया है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल. डॉर्सल एनस करेक्ट, वेंट्रल जेनाइटल पोर, गोनेपोफाइसिस, बट देयर इज नो एनल स्टाइल. बच्चों एनल स्टाइल तो मेल में होता है, इट इज द फीचर ऑफ मेल कॉकरोच. So the correct option which is going with it is 1. Okay. Which of the following statement is correct about loose connective tissue? Which of the following statements is correct about the loose connective tissue? Okay. Loose connective tissue ke baare mein pucha gaya hai. Areolar tissue and adipose tissue are the example of the loose connective tissue. Correct. Loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance, correct. Areolar connective tissue connects skin with muscle, इसे कहा जाता है fascia, that is also correct. Often areolar connective tissue serves as a support framework for epithelium, yes. Epithelium के नीचे जो connective tissue होता है, that is also a areolar connective tissue, true. And therefore our correct option will be all of this, okay. So 188, first option is the correct one. Which of the following statement is false about the muscle? Which of the following statement is false about the muscle? Wall of the blood vessel, stomach, intestine contains striated muscle. No, it contains smooth muscle. Okay. The smooth muscle fiber are fusiform. This is correct. The cell junction hold smooth muscle fibers together, and they are bundled together
in a connective tissue sheath. Yes, this is also a correct statement. The incorrect statement, false pucha gaya hai na. So both 2 and 3 yahan pe diya hua hai. This is correct. So false statement will be the one. Question number 189, the first one is the incorrect option. In a primary structure of protein, the left end, okay. तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया गया है जहाँ पे एमिनो एसिड का चेन बनता है. और एमिनो एसिड अगर हम देखें तो इट कंटेन्स, व्हाट इज द अरेंजमेंट, इट कंटेन्स NH2, देन हियर विल बी द R, द एल्काइल ग्रुप, द H, दिस इज द COOH. ये अगर कंटिन्यू हम करके लेके जाए तो हमेशा दिस साइड विल बी आवर व्हाट साइड, दिस साइड विल बी द लेफ्ट साइड. And this, if we continue, this is the left side. This, if we continue, is the right side. Right? Yes, this is the right side. This is the left side. So, yahan pe kya hua? Ke is side mein hamesha amino group rahega. Starting mein. To hum log is side ko kya kahenge? We will call it as N-terminal. Aur is side ko hum kahenge C-terminal. To abhi hum dekh lete hain. Left end represent first amino acid C-terminal. No, incorrect. Right end represent the last amino acid, no. Left end represent the first amino acid, N-terminal amino acid. Right end represent the first amino acid, that is the C-terminal, no, it is also incorrect. So 190, question option 3 is the correct one. At which velocity of the reaction, value of Michaelis-Menten constant is equal to the substrate concentration of the enzyme? It is half of Vmax equal to the substrate concentration of the enzyme. It is the half of velocity maximum. Vmax 1/3, it is the half of Vmax 191. That is the third option is the correct one. Next is, which of the following statement is incorrect? Organism live at the expense of free energy. Correct. Jab hum log koi ek reaction hamare body mein hota rehta hai, theek hai? जैसे कि एक्सर्गोनिक रिएक्शन, जैसे कि एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, तो उससे हम लोग एनर्जी ट्रैप करके हम वही एनर्जी को यूज करते हैं, राइट? तो दैट एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इन अवर बॉडी इज नोन एज द फ्री एनर्जी, वी यूटिलाइज दिस. एटीपी पावर्स द सेलुलर वर्क बाय कपलिंग एक्सर्गोनिक रिएक्शन टू एंडर्गोनिक रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है बाय द एक्सर्गोनिक रिएक्शन, वही एनर्जी ट्रैप होता है एज एटीपी. और उसी एनर्जी को कौन यूज करता है? दैट इज द एंडर्गोनिक रिएक्शन, जो कि एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होता है, राइट? सो यहाँ पे कपलिंग होता है. ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स. बायोमॉलिकल्स जितना अमाउंट में रहता है उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होके वो कोई और प्रोडक्ट बनता है. बायोमॉलिकल्स में चेंजेस, वो बढ़ता नहीं है, वो हमेशा स्टेडी स्टेट में रहता है, लेकिन हाँ वो हमेशा चेंज होता रहता है. दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि इनकरेक्ट है. सो नन ऑफ दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ओके. इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक लीड्स टू क्वाशियोरकर. The resultant edema is closely related to inadequate synthesis of which protein? So it is inadequate synthesis of albumin. अच्छा, हम लोग जानते हैं कि albumin हम लोगों का blood का osmotic pressure maintain करता है, क्योंकि albumin water, यहाँ पे albumin form ही नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे में क्वाशियोरकर तो एक बच्चे में होता है because of the protein deficiency. तो बच्चे में क्या होता है, वो प्रोटीन ना बनने के कारण उसके ब्लड, उसका जो ब्लड है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है और पानी बाहर आके किसी जगह में जम जाता है, ठीक है, स्किन के नीचे जो थोड़ा बहुत फैट्स जमा हुआ है उसके नीचे जम जाता है. इससे क्या हो जाएगा, एडेमा, वो जगह सूज जाएगा, फूल जाएगा, सूजन कहते हैं उसे, एंड वी कॉल दैट एज एडेमा. किस वजह से हो रहा है? उस प्रोटीन की वजह से जो वाटर होल्ड करता है. तो वाटर यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, वाटर होल्ड नहीं हो पा रहा है, वाटर किसी जगह में जाके जम रहा है, वो बाहर भी निकल नहीं पा रहा है, तो वो जगह सूजन हो जाता है. वी कॉल दैट एज एडेमा. तो कौन से प्रोटीन की वजह से? दैट इज एल्बुमिन, दैट हेल्प्स इन आवर बॉडी नॉर्मली टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज
is the two option. Which of the following is the movable bone in our skull? Yes, this bone. Mandible is our movable bone. Baki koi bone movable nahi hai. Fourth option is the correct one. Which of the following is incorrect about the occupational respiratory disorder? Occupational respiratory disorder. Dekhte hai. It occurs in some industries, especially those involving grinding or stone breaking. Yes. Long exposure in such industries leads to fibrosis. Correct option ye to NCERT ka hi hai. Worker in such industries can be protected from this disorder by wearing protective mask. This is also correct. It is not an allergic disease. It is an allergic disorder diya gaya hai. So this is our incorrect option. So 195 option 4 is our correct one. Total lung capacity. Okay, pura lung capacity ko liya gaya hai. उससे फंक्शनल कैपेसिटी को माइनस कर दिया गया है तो फंक्शनल एफआरसी फंक्शनल कैपेसिटी मतलब ईआरवी प्लस आरवी तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें बाकी का क्या रहता है आईसी रहता है आईसी क्या होता है आईआरवी प्लस टीवी सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड ऑप्शन 196 2 इज द सेकंड ऑप्शन Which are the three main layers that forms the diffusion? Diffusion. that forms the diffusion. So, aa jaate question number 197 mein. Which are the three main layers that forms the diffusion membrane? Okay. So, yahan pe dekhte hain. Kya kya hai? Hum log already jante hain ise. The ye raha alveoli. Alveoli ka squamous epithelium. Ye raha squamous epithelium. ये रहा ब्लड वेसल जो कि ब्लड ला रहा है ठीक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके अंदर का जो स्क्वामस एपिथेलियम है क्योंकि अंदर में है उसे हम कहते हैं एंडोथेलियम और बीच में जो स्पेस है उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियम ठीक है इंटरस्टिशियम एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया है अब ये जो एपिथेलियम यहाँ पर है ये किसके ऊपर लाई कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ का जो ब्लू कलर का जो एपिथेलियम है ये किसके ऊपर लाई कर रहा है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड टुगेदर दे फॉर्म्स व्हाट टुगेदर दे फॉर्म्स बेसमेंट सब्सटेंस ओके तो हम लोगों का क्या होगा एल्वियोलर का स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई यस ठीक है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकियोस नहीं ये इनकरेक्ट हो गया थीम स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई करेक्ट एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी करेक्ट एंड द बेसमेंट सब्सटेंस यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बेसमेंट सब्सटेंस क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई नहीं क्यूबॉइडल यहां पर तो होगा ही नहीं सिलिएटेड भी नहीं होगा सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 197 इज टू ठीक है बच्चों दैट इज द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कैन बी स्टिमुलेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कैन बी स्टिमुलेटेड बाय इट इज साइट ऑफ फूड स्मेल ऑफ फूड प्रेजेंस ऑफ फूड इन अवर ऑरल कैविटी तीनों से ही हम लोगों के यहाँ पे सलाइवा सिक्रीशन होता है सो इट इज ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 198 Now, name the blood cells whose reduction in the number in can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. And that option is what? That is the thrombocyte, that is the platelets. ठीक है? ये जब reduce हो जाता है, thrombocytes जब reduce हो जाता है, then it leads to the formation of the blood clotting disorders. तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रेगेरियस पेस्ट इज फ्रॉम एनिमल किंगडम सो ग्रेगेरियस पेस्ट इज एडिस नहीं होगा एनोफेलिस नहीं होगा लोकस्ट एंड क्यूलेक्स सो लोकस्ट इज अवर करेक्ट ऑप्शन बच्चों ग्रेगेरियस पेस्ट उसे कहा जाता है जो कि झुंड में तो रहता है द लीव्स इन कॉलोनी बट दे डू नॉट हेल्प ईच अदर जैसे कि सोशल इंसेक्ट करता है ऊपर से दे आर वोरेशियस फीडर एंड वो लोग बहुत अफेक्ट करते हैं क्रॉप्स को दैट इज द लोकस्ट ओके सो विद दिस वी कंप्लीट आवर सेशन हियर सो थैंक यू